उदाहरण 22, के का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होगी। कोष्टक में के ऋण 3 कोष्टक बंद एक्स धन 3y बराबर के, kx धन ky बराबर 12। हल समीकरण निकाय कोष्टक में k ऋण 3 x धन 3y बराबर k, यह हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है kx धन ky बराबर 12 में। यहाँ a1 का मान हम पहले समीकरण को a1x धन b1y बराबर c1 से तुलना करने पर a1 का मान a1 बराबर k ऋण 3, उसी तरह से b1 का मान 3 और c1 का मान k। अब a2 का मान बराबर k, b2 का मान b2 बराबर k और c2 बराबर 12। इसको हमने a2x धन b2y बराबर c2 से तुलना करके a2 बराबर k, b2 बराबर k और c2 बराबर 12 ज्ञात किया। चूंकि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल है, अतः हम जानते हैं कि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल में इसका संबंध a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से। a1 बटा a2 में a1 और a2 का मान हम रखेंगे तो k ऋण 3 बटा k बराबर b1 बटा b2 के लिए 3 बटा k बराबर c1 बटा c2 के लिए हम k बटा 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे k ऋण 3 बटा k बराबर 3 बटा k, ये हमारा समीकरण एक ले लिया हमने। उसी तरह से 3 बटा k बराबर k बटा 12, ये हमने समीकरण दो मान लिया। पहले हमने k ऋण 3 बटा k और 3 बटा के इसको छोड़ दिया तो k ऋण 3 बटा k बराबर 3 बटा k समीकरण एक ले लिया। फिर दूसरी स्थिति में हमने पहले वाले संबंध को छोड़ दिया, पहले वाला पार्ट छोड़ दिया, तो पहला वाला भाग छोड़ दिया तो 3 बटा k बराबर k बटा 12। और उसी तरह से जब हम बीच वाले भाग को छोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा k ऋण 3
बटा के बराबर के बटा बारह, के बटा बारह, ये हमारा समीकरण तीन हो गया। अब अगले पृष्ठ में हम देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि के ऋण तीन बटा के बराबर तीन बटा के, जिसे हमने समीकरण एक नाम दिया था, उसी तरह से तीन बटा के बराबर के बटा बारह, जिसे हमने समीकरण दो माना था, और अंत में के ऋण तीन बटा के बराबर के बटा बारह, जिसे हमने समीकरण तीन माना था। यहाँ तक कि हमने लिया था। पहले समीकरण में हम के ऋण तीन बटा के बराबर तीन बटा के में हर के दोनों पक्षों में को के को हम काट देते हैं, तो हमें मिलेगा या के ऋण तीन बराबर तीन, या के बराबर ऋण तीन का पक्षांतर करेंगे हम दाएं पक्ष में, तो ये तीन का तीन और ऋण तीन का पक्षांतर में धन तीन हो जाएगा ये, और इस तरह से या के बराबर हमको मिला तीन और तीन छः, ये हमारा पहला हल हुआ के का मान। उसी तरह से समीकरण दो में हम देखते हैं, यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, के को के से गुणा करेंगे तो के का वर्ग बराबर 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, या के बराबर यहाँ का वर्ग निकाल हटाएंगे और इसका पक्षांतर करेंगे तो ये दाएं पक्ष में वर्गमूल 36 बनेगा, और या के बराबर धन ऋण 6 आएगा, क्योंकि 6 का धन 6 का वर्ग भी 36 होता है और ऋण 6 का वर्ग भी 36 होता है, तो के दो मान मिलेंगे धन 6 या ऋण 6, तो ये के का मान हमने समीकरण दो से ज्ञात किया। उसी तरह से हम समीकरण तीन को देखते हैं, या समीकरण तीन में जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो के को के से गुणा करेंगे तो के का वर्ग आया बराबर 12 को जब हम गुणा करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 12 के और ऋण 12 तिया 36, या के की घात 2 ऋण 12 के ऋण 12 के 12 के पक्षांतर की हमने बाएं पक्ष में, तो चिन्ह बदलेगा ये ऋण 12 के, और ऋण 36 का जब हम पक्षांतर करेंगे दाएं से बाएं पक्ष में तो धन 36 बराबर 0, या अब हम मध्य पद को तोड़ेंगे, ऋण 12 के को हम लिख सकते हैं, के का वर्ग यहाँ के का वर्ग रहा, और ऋण 12 के को हम लिखेंगे ऋण 6 के और ऋण 6 के, क्योंकि ऋण 6 के और ऋण 6 के को हम जोड़ते हैं तो हमें ऋण 12 के प्राप्त होता है, और कहीं हम ऋण 6 को ऋण 6 से गुणा करेंगे तो 36 प्राप्त होता है, जो कि हमारा यहाँ 36 जो है स्थिरांक है। तो उसी तरह से फिर हमने ऋण 12 के को ऋण 6 के लिखा और धन 36 का 36 बराबर 0, या अब यहाँ पे हम पहले दो पद में उभयनिष्ठ के निकालेंगे, तो के निकालने पर हमें कोष्टक में प्राप्त होगा के ऋण 6, और उसी तरह से हम अंतिम दो पद ऋण 6 के और धन 36 में से ऋण 6 का हम ऋण 6 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमें कोष्टक के अंदर के, और क्योंकि हम ऋण निकाल चुके हैं और धन जो होता है ऋण गुणित ऋण होता है, तो हम यहाँ ऋण 6 लिखेंगे बराबर 0, या इस दो पद में के ऋण 6 ये पहला पद है और ऋण 6 दूसरा पद जो है ऋण 6 के ऋण 6, फिर दोनों पदों में से ऋण 6 को हमने उभयनिष्ठ निकाला तो दूसरे कोष्टक में के ऋण 6 बचेगा हमारा, के ऋण 6 बराबर 0।
इस तरह से हमें या के ऋण 6 बराबर 0 प्राप्त होता है या के बराबर पक्षांतर करने पर 6 प्राप्त होता है। तो समीकरण 3 से हमें के बराबर 6 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पहले समीकरण से के बराबर 6, दूसरे समीकरण में के बराबर धन ऋण 6 और तीसरे समीकरण से हमें प्राप्त हुआ के बराबर 6। तो के का वही मान सत्य होगा जो सभी समीकरणों को संतुष्ट करता है। यहां 6 ही तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है इसलिए के का मान छ होगा। यह इस उदाहरण का हल है।